ओके सो वी लेफ्ट एट खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. अच्छा, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स क्या है वो हम लोग जानेंगे. तो खरीफ क्रॉप्स उसी को बोला जाएगा द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन, दैट इज़ फ्रॉम जून टू जुलाई. मतलब जून टू जुलाई में उसको बोया जाता है एंड इट इज़ हार्वेस्टेड, मतलब इसको काटा जाता है सेप्टेम्बर या अक्टूबर के महीने में. तो ऐसा क्रॉप्स को हम लोग बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स. बेसिकली जो क्रॉप गर्मी में, मतलब गर्मी और रेनफॉल को मिलाए हुए जो वेदर है, जो सीज़न है, उसमें ये अच्छा फलता है. जैसे राइस, मेज़, सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा, ये सब जो है, ये इसके लिए जो टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहना चाहिए, रेनफॉल अच्छे मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो ये क्रॉप्स जो है वो अच्छा ग्रो नहीं करेंगे. अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो क्रॉप्स विंटर सीजन में हम लोग बोते हैं, इसको हम लोग विंटर सीजन में बोते हैं. जैसे अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में से हम लोग बोना स्टार्ट करते हैं और इसको काटते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में. तो ये क्रॉप्स बेसिकली ठंडे के टाइम में, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा ना हो, मतलब कम के बराबर हो, वैसे टाइम में हम लोग रबी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं. इसमें क्या क्या आता है? व्हीट आता है, मस्टर्ड आता है, मतलब सरसों, लीनसीड, पी, ग्राम, मतलब पी, ग्राम, ये सब एक टाइप ऑफ पल्सेस के अंदर पड़ेंगे. पी एक्चुअली पल्सेस नहीं है, ग्राम जो है वो पल्सेस के अंदर पड़ेंगे. ठीक है, तो ये जो है ये एक वेरियस टेम्परेचर, वेरियस वेदर कंडीशन, सीजन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग दो क्रॉप्स में इसको बांटे हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, अब हम लोग जाएंगे क्रॉप्स को, तो हम लोग पता चल ही गया कि कैसा टाइप ऑफ क्रॉप है, क्या नहीं है. अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करेंगे जब हम लोग एक फील्ड को प्रिपेयर करेंगे, क्रॉप को लगाएंगे और एक क्रॉप को काटने तक उस हम लोग क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे. तो देयर आर एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस अंडरटेकन बाय अ फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टीवेट अ गुड क्रॉप. इसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं. मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, पहले फील्ड को तैयार करना पड़ता है, फिर उसको लेवल करेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीज़ें. मतलब जो सीक्वेंस में, जो स्टेप बाय स्टेप, जो रूल्स जो फॉलो किया जाता है एक अच्छा कल्टीवेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. देखो यहाँ पे तुम लोगों के बुक के पेज 6 में, फिगर 1.3 में इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड. सो प्लीज़ रेफर टू दैट पेज कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस है. जैसे मैं बोल देती हूँ फिर भी कि पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद प्रिपेरेशन मतलब प्लाउइंग करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा सॉइल को, उसके बाद अच्छा सा सीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको बोना पड़ेगा, उसके बाद मैन्योर मतलब सॉइल्स में न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा ताकि प्लांट को भी न्यूट्रिशन मिले. उसके बाद आएगा इरिगेशन, मतलब प्रॉपर वाटर सप्लाई. उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब जब क्रॉप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा, जंगली पेड़, ये सब जन्म लेने लगते हैं, तो उससे भी इसको बचाना पड़ता है. नेक्स्ट आएगा हार्वेस्टिंग, मतलब काटना, फसल को काटना. उसके बाद आएगा स्टोरेज. स्टोरेज मतलब जहाँ पे तुम उसको, ग्रैनरीज मतलब जहाँ पे तुम उसको स्टोर करोगे ताकि फ्यूचर में उसको तुम मार्केट में जाके सर्कुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहला प्रोसेस, पहला पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को तैयार करना पड़ता है फॉर कल्टीवेशन. तो पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल प्रिपरेशन इज लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. लूजनिंग ऑफ एंड टर्निंग मतलब सॉइल जो है वो सख्त हो जाता है, तो उसको हम लोग लूज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको, ताकि उसमें एयर स्पेसेस ज़्यादा मिले. लूज मतलब उसको एक दूसरे से अलग करते हैं, जो प्लाउइंग के मदद से किया जाता है. लूज करने के बाद उसको हम लोग लेवल करते हैं, मतलब एकदम एक प्लेन में उसको
बनाते हैं, एकदम प्लेन सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये लूजनिंग और टर्निंग जो है सॉइल, ये किया जाता है प्लाउइंग और लेवलिंग प्रोसेस के मदद से। तो प्लाउइंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। प्लाउइंग एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे हम लोग यहाँ पे जो फोटो में तुम देख रहे हो, जो ये हल लगा के जो सॉइल के ऊपर जा रहे हैं ये आदमी, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, ये सॉइल को लूज कर रहा है और इस सॉइल को टर्न कर रहा है, मतलब एक दूसरे से अलग करके एक क्रम्स बना रहा है, ठीक है। और इसको सिर्फ बहुत सारे जगहों पे ये हल और बैल के मदद से किया जाता है, और बहुत सारे जगह पे ट्रैक्टर के मदद से भी ये किया जाता है। अच्छा, हम लोग क्यों करते हैं ये लूजनिंग ऑफ सॉइल? लूजनिंग ऑफ सॉइल तो करते हैं, ये हम लोगों को पता है, लेकिन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है इसको करने में? फर्स्ट पॉइंट, लूज सॉइल हैव मोर एयर स्पेसेस टू हेल्प द रूट्स टू ब्रीथ। जो नया पेड़ पौधा हम लगाने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, उसका जो रूट्स जो जाएगा वहाँ पे, जब एयर स्पेसेस रहेंगे तो वो रूट जो है वो ब्रीथ कर पाता है। ब्रीथ मतलब वहाँ से वो जो 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 उसको मिनरल्स चाहिए, जो भी चाहिए, वो वहाँ से वो इजीली उठा सकता है। नेक्स्ट है, लूज सॉइल होल्ड्स मोर वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जब हम लोग पानी देते हैं, या फिर पानी जब कोई भी प्रोसेस से उसको मिलता है, तो क्या होता है, वो बहुत सारा पानी बहुत देर तक पकड़ के रख सकता है, और ये जो रूट है वो उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है आहिस्ता आहिस्ता, और पेड़ को दे सकता है। नेक्स्ट है क्या, ये अगर लूज हो जाता है सॉइल, तो वहाँ पे जंगली पेड़ पौधा जो पहले से था वो उठ जाता है, और नया से जन्म लेने में भी उन लोगों को दिक्कत होता है। इसीलिए ये जो जंगली पेड़ पौधा है, वीड्स, इसको भी सॉइल से हम लोग हटा दे सकते हैं बाई लूजनिंग द सॉइल। नेक्स्ट इज, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो सॉइल को बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस देते हैं। तो यहाँ पे जो है माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करने में मदद होता है उसको, और ये जो है ह्यूमस ऐड करता है, मतलब टॉप सॉइल जो है जिसमें न्यूट्रिएंट से भरा हुआ जो सॉइल है वो हम लोग को मिल जाता है। और क्या होता है लूजनिंग से, ये जो रूट्स को वो हेल्प करता है ताकि वो बहुत अंदर तक, सॉइल के अंदर तक वो पेनिट्रेट करे और प्लांट को एकदम मजबूती से पकड़ के रखे, ठीक है। ओके, अब क्या किया जाता है, अब तो लूजनिंग हो गया, प्लाउइंग हल तो चल गया, अब उसके बाद ये जो यहाँ पे फोटो में देखो, जो वो बोया हुआ, जो हल चलाया हुआ, जो प्लाउड जो सॉइल था वो एकदम प्लेन नहीं था, इधर ऊंचा इधर नीचा उबड़ खाबड़ था, तो अब उसको प्लेन करना पड़ेगा ताकि वो सीड के लिए तैयार हो, ठीक है। तो आफ्टर प्लाउइंग द प्लाउड फील्ड इज़ लेवल्ड बाय स्लाइटली प्रेसिंग विद अ वुडन प्लैंक। यहाँ पे देखो जो ट्रैक्टर के पीछे जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो एक आयरन है, आयरन लेवलर है, तो उसमें क्या होता है, एक प्लैंक रहता है, जैसे जब हम लोग रोटी गूंथते हैं ना, तो आटा कितना मोटा रहता है, जब जितना गूंथते हैं वो उतना प्लेन हो जाता है, वैसे ही ये जो सॉइल था वो उबड़ खाबड़ था, इसलिए वो जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन देख रहे हो फोटो में, उससे क्या किया जाता है, उस सरफेस को लेवल किया जाता है। हम लोग तो क्रिकेट खेलने के टाइम देखते हैं पिच में वो रोलर चलाया जाता है, नियरली लाइक दैट। अच्छा, अब ये किससे इससे होता है, ये एनिमल्स से भी होता है, एनिमल्स के सामने ऐसे पट्टी लगा देते हैं ताकि वो आराम से उसको सॉइल ये करें, या फिर ट्रैक्टर से, यहाँ पे ट्रैक्टर से किया जाता है। अब लेवलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, लेवलिंग का इम्पोर्टेंस है कि प्लाउड फील्ड में बहुत सारे वो उबड़ खाबड़ क्रम्स की तरह रहते हैं, अब उसको स्मूथ किया जाने की बहुत ज़रूरी है, और अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो एयर से, विंड से सॉइल इरोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यहाँ पे अगर लेवल किया जाए तो सॉइल इरोशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्या, यहाँ पे जब सॉइल जब अगर हर जगह पे सेम लेवल में रहेगा तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जब हम लोग वाटर, पानी देंगे या फिर मैन्योर देंगे, मैन्योर मतलब खाद देंगे, तब हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की टॉपिक्स कवर करूँगी।
थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।